दोस्तों, दुनिया में ऐसी जगहों की कमी नहीं है जो लोगों को ना केवल चौंका देती है बल्कि दुनिया के लिए आश्चर्य का केंद्र बनी हुई है। ऐसी ही जगहों में से मैं आपको भारत के ऐसे आइलैंड के बारे में बताऊंगा जो ना केवल रहस्यमय हैं बल्कि वहां पर कई ऐसी बातें हैं जो दुनिया को हैरान कर देती है। मैं बात कर रहा हूँ भारत के अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में। अंडमान में अपनी कॉलोनी बनाने वाला पहला यूरोपीय डेनिस था। वो साल 1755 में अंडमान पहुंचा था। अंग्रेज पहली बार साल 1799 में अंडमान पहुंचे थे। इसके बाद अंग्रेजों ने भी यहां अपनी कॉलोनी और नेवल मिलिट्री बेस बनाया। दोस्तों, अंडमान में कमर्शियल फिशिंग पूरी तरह से बैन है। ये धरती की उन चुनिंदा जगहों में से है जहां मछलियों को उम्र पूरी करने का मौका मिलता है। यहां पर सबसे ज़्यादा समुद्री कछुआ पाया जाता है। धरती का सबसे बड़ा कछुआ यहीं पाया जाता है। यह साइज में बहुत बड़े होते हैं। इंडिया में केवल अंडमान में ही आपको वॉल्केनो देखने को मिलता है। भारत में मात्र एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है और ये अंडमान में स्थित है जो कि पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस बेहद चर्चित आइलैंड में 572 में से 36 जगहें ही ऐसी है जहाँ आप जा सकते हैं या बस सकते हैं। निकोबार में जाने के लिए सिर्फ रिसर्च या सर्वे के लिए ही चुनिंदा लोगों को इजाज़त मिलती है। टूरिस्ट के लिए भी यहां जाना बेहद मुश्किल है। अंडमान निकोबार को जारवा, आंगे, सेंटलिस और सैम्पियन प्रजातियों का द्वीप माना जाता है। ये आदिवासी ही यहां के निवासी है जो सदियों पहले अफ्रीका से माइग्रेट होकर अंडमान पहुंचे थे।